देखिए जनधन खाते में घर बैठे आप अपने किसी भी मोबाइल फोन से, चाहे एंड्रॉयड फोन से, तो आप आसानी से चेक कर ही सकते हैं अपना बैंक बैलेंस फोन पे या गूगल पे या पेटीएम का यूज करके। लेकिन अगर आपके पास एक सिंपल सेट है तो उससे भी आप घर बैठे आप अपने जनधन खाते या कोई भी SBI अकाउंट हो उसका आप बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। और एक चीज और की जो आपका जो बैंक आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके अकाउंट से, तभी जाके आप अपना बैंक बैलेंस पता कर सकते हैं कभी भी आप अपने घर बैठे। आपको अपने मैसेज बॉक्स में जाना है और वहां पर आपको टाइप करना है REG, यानी ये कैपिटल में टाइप करना है, यानी बड़े अक्षर में आपको REG टाइप करना है। उसके बाद आपको स्पेस देना है और आपको अपना अकाउंट नंबर टाइप करना है। आप अपना अकाउंट नंबर टाइप करके उसको आपको सेंड करना है 9172089331418, इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है उस मैसेज को, यानी कि REG कैपिटल में लिख के स्पेस दे के उसके बाद अकाउंट नंबर लिख के, और जो ये नंबर मैंने अभी बताया है उस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। अब जो ही सेंड करेंगे तो 30 से 40 सेकंड के अंदर एक सक्सेस जो आपका जो सक्सेसफुली है अकाउंट का रजिस्टर्ड का वो एक मैसेज आता है। उस मैसेज के आने के बाद अब आपको पुनः जो मिस कॉल के तहत जो आप अपना बैंक बैलेंस का पता करेंगे उसके लिए आपको एक मिस कॉल नंबर बता दे रहा हूँ, उस नंबर पर आपको मिस कॉल देना है। जो ही आप मिस कॉल देंगे या पूरा रिंग देंगे खुद ब खुद वो नंबर से फ़ोन कट जाता है और आपके नंबर पर एक पुनः मैसेज आएगा और उसमें आपको बताएगा कि आपके बैंक में या आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो वो जो नंबर है 9 2 2 3 7 और 5 times 6, यानी कि 5 बार आपको 6 टाइप कर देना है, यानी कि 9 2 2 3 7 6 6 6 6 6, यानी कि 5 बार 6 लिख देना है और इस नंबर पर आपको मिस कॉल देना है या पूरा रिंग कर देना है। आप जो ही रिंग करेंगे फ़ोन करते ही आपके नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसमें कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है उसके बारे में पूरा जानकारी बताएगा। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।